सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जहां आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया है, वहीं गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने कभी जयपुर में भी सीएम गहलोत से मिलकर सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। बेदी ने पत्रकारों को बताया कि कल जयपुर में प्रेस वार्ता आयोजित करके सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग फिर दोहराऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने अनशन करूंगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग करूंगा। मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, क्योंकि सुजानगढ़ में जिला इसलिए बनना चाहिए कि सुजानगढ़ हर तरह से मापदंड पूरा करता है। तीन बार अलग अलग राज्य के अंदर तीन बार कमेटियां बनी, उसमें अग्रिम पंक्ति में सुजानगढ़ था। और मैं ये मानता हूं कि अशोक गहलोत जादूगर है, इसलिए वो अपने जादू की छवि से जिला बनाना चाहता है सुजानगढ़ को। कि सुजानगढ़ जिसकी न्यायोचित मांग है कि इसको जिला बनाया जाए, रियासत काल में भी जिला था और देश की आजादी के बाद में इसका जिला का स्टेटस भी छीन लिया गया है। ये काम हमारे जन प्रतिनिधियों का था कि सही ढंग से जाकर के राजस्थान सरकार को बताते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अगर ठीक ढंग से इसको बताया होता तो आज सुजानगढ़ जिला बन गया होता। अब सुजानगढ़ के लालगढ़ से अगर आप देखें तो वहाँ से अगर चूरू जाना है तो 170 किलोमीटर करीबन पड़ जाता है। किस प्रकार से दुख दर्द करके लोग बाग जाते हैं, परेशान होते हैं।